आप लोगों को सुपर मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम देखेंगे, पिछले वीडियो में हम बताए थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, उसको देखेंगे, फिर से चर्चा किए कर लेते हैं। इसलिए कि जब हम पढ़ा रहे थे तो बारिश होने लगी थी, जिसके कारण हम पूरा वीडियो को लोड नहीं कर पाए थे, क्योंकि आवाज थोड़ा ज्यादा होने लगा था, जिसके कारण हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका पूरा नहीं हुआ था। तो देखेंगे आप इसके बारे में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम लिखे थे SHE। एस के मतलब स्टैंडर्ड, एच के मतलब हाइड्रोजन, इसे इलेक्ट्रोड, इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू मानक इलेक्ट्रोड बीओ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको हम लिख सकते हैं, दूसरा नाम लिख सकते हैं बाबू सिंपल, सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी इसको हम लिखेंगे SHE, सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको लिख सकते हैं हम जनरल भी लिख सकते हैं, जनरल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी इसको लिख सकते हैं GHE। देखेंगे बाबू सब एक ही है, आप इसको बोले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और जनरल का भी आपका क्या होता है, जनरल मीन्स समान, और सिंपल को आप बोल सकते हैं सरल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसमें हम बताए थे कि हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड भी वो होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। ये आपका किताब में भी दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका 0.00 वोल्ट होता है। तो इसका आप ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड अगर निकालते हैं तो भी आपका यही होगा, और रिडक्शन इलेक्ट्रोड भी अगर निकालते हैं तो आपका यही होगा। क्यों? क्योंकि अगर जीरो में हम प्लस लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर माइनस भी लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तीन में जीरो जोड़े तो तीन होगा, चाहे तीन में जीरो घटाएं तो क्या होगा, तीन ही होगा। इसलिए कहा गया कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड 0.00 वोल्ट होता है। ये आपका यूपीएससी के आधार पर निकाल दिया गया है। तो जीरो वोल्ट है तो आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें तो आपका मान एक ही होगा। इसलिए हाइड्रोजन अगर दोनों इलेक्ट्रोड को दर्शाता है तो इसका मतलब है कि कैथोड और एनोड की तरह भी कार्य करता है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट बताए थे। सबसे पहला पॉइंट क्या बताए थे कि यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव एक प्रकार के गैसीय इलेक्ट्रोड है। एक प्रकार के क्या बाबू? गैसीय इलेक्ट्रोड है। दूसरा बताए थे कि इसमें माने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में H2 गैस उपस्थित होता है। तीसरा बात यह बताए थे कि कैथोड और एनोड दोनों रूपों में यह कार्य करता है। कौन? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसलिए कि कैथोड और एनोड के रूप में इसलिए कार्य कर रहा है कि प्लस जीरो लिखें या माइनस जीरो लिखें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की तरह कार्य करेगा। और यह बताए थे कि मानक ताप यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन, स्टैंडर्ड सांद्रण 1 m, और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm पर आईपीएससी के आधार पर हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड भी वो 0.00 वोल्ट दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें पॉइंट जो हम बताए थे से समझेंगे बाबू। यहाँ इसमें हम पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ही बताए थे, क्या बताए थे? पहला पॉइंट बताए थे कि यह इलेक्ट्रोड गैसीय होता है, या लिख सकते हैं कि यह गैसीय इलेक्ट्रोड है, यह इलेक्ट्रोड गैसीय है।
क्योंकि हाइड्रोजन आपको पता है कि गैसीय होता है। दूसरा है आपका इसमें, इसमें माने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में H2 गैस उपस्थित होता है, यानी पाया जाता है, उपस्थित होता है। तीसरा बात बाबू कि यह कैथोड तथा एनोड, सी मीन्स कैथोड, ए मीन्स एनोड, दोनों रूपों में कार्य करता है, दोनों रूपों में कार्य करता है। इसलिए कि अगर H2 को हम रिएक्शन कराएं तो हमको क्या मिल जाएगा बाबू, H प्लस टू ई इलेक्ट्रॉन, दो से गुना कर देंगे, बैलेंस हो गया। जैसे H प्लस देता है तो एक इलेक्ट्रॉन का ही क्या करेगा, त्याग करेगा, तो इधर दो हाइड्रोजन है तो दो से गुना करके बैलेंस कर लेंगे। तो इस सिंबल का अर्थ क्या है बाबू, इस सिंबल का अर्थ है कि हाइड्रोजन गैस से मिल गया हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन से भी हमको मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है कि अगर ऐसे आप करेंगे तो आपको क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर ऐसे करते हैं, इसको हटाते हैं, तो आपका हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन, तो उलट देते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन गैस। इसलिए इसको कहा गया कि यह कैथोड और एनोड दोनों रूपों में कार्य करते हैं, अर्थात यह साम्य अवस्था को, साम्य अवस्था को दर्शाता है, साम्य अवस्था को दर्शाता है। तो इसलिए हम इसमें एक और बात बताए थे, चौथा पॉइंट, कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी मानक ताप पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इसमें लेना है 298, सांद्रण आपको 1 mm, पी आपको 1 atm लेना है, 1 atm लेना है, जिसके कारण आपका हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका हो जाएगा 0.00 वोल्ट IPSC के आधार पर। तो इतना बात क्लियर है तो हमको रहेगा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं, या कहेगा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन करें। तो सचित्र हम आगे देखते हैं, पहले आपको क्या लिखना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो क्या लिखेंगे कि यह इलेक्ट्रोड गैसीय होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस उपस्थित होते हैं, तथा यह इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड दोनों रूपों में कार्य करता है, इसलिए यह साम्य अवस्था को दर्शाता है। जबकि स्टैंडर्ड यानी मानक ताप 298, सांद्रण 1 mm, प्रेशर यानी दाब 1 atm पर IPSC ने इनोट सेल यानी इनोट हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट दिया, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर है, इसको मिला दे के लिखेंगे, आप सुनेंगे बोल रहे हैं क्या लिखेंगे, कहेगा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तो क्या लिखेंगे कि यह इलेक्ट्रोड गैसीय होता है जिसमें H2 गैस उपस्थित होता है, तथा यह कैथोड और एनोड दोनों रूपों में कार्य करते हैं, इसलिए यह साम्य अवस्था को भी प्रदर्शित करता है। जबकि मानक ताप 298 केल्विन, सांद्रण 1 mm तथा दाब 1 atm पर, 1 atm पर IPSC ने हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट दिया, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर है, क्या बोले बाबू कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तो आप इसका मिश्रण लिख देंगे या पॉइंट भी लिख सकते हैं कि यह एक गैसीय इलेक्ट्रोड है जिसमें H2 गैस पाए जाते हैं, तथा यह कैथोड और एनोड दोनों रूपों में कार्य करता है, इसलिए यह साम्य अवस्था को दर्शाता है। जबकि स्टैंडर्ड ताप 298 केल्विन, सांद्रण 1 mol, प्रेशर 1 atm पर IPSC ने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना दिया, 0.00 वोल्ट दिया। तो आगे बढ़े बाबू, इसमें इसका सचित्र वर्णन करते हैं, देखेंगे इसका सचित्र वर्णन क्या है, सचित्र वर्णन समझेंगे बाबू।
हाइड्रोजन यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन। तो चित्र समझेंगे, सचित्र वर्णन, सचित्र वर्णन समझेंगे बाबू। सचित्र वर्णन के बारे में देखेंगे कि सर्वप्रथम एक टैंक लिया जाता है, सर्वप्रथम एक टैंक लिया जाता है, समझेंगे बाबू। सर्वप्रथम एक टंकी लिया जाता है, टैंक लिया जाता है, जिसमें HCl का घोल। अब एक बात आओ समझ लेंगे आप थोड़ा सा इसमें, कि हम अगर गैल्वेनिक सेल बनाए होंगे तो उसमें जिंक का रड डाले थे। किसका रड डाले थे? जिंक का रड। तो जिसका रड रहता था उसी का घोल होता था, जिंक सल्फेट का घोल था। तो अभी बना रहे हैं हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहां था जिंक इलेक्ट्रोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए विलयन क्या डाले थे? ZnSO4। तो यहां हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या डालेंगे? विलयन HCl डालेंगे। क्या डालेंगे? HCl डालेंगे, तब ना हमको HCl टूटेगा तो H प्लस आयन हमको देगा। इसमें अगर ZnSO4 था तो टूट करके जिंक प्लस 2 दे रहा था ना, तो उसी तरीका से HCl डालेंगे तो HCl टूट के हमको H प्लस देना चाहिए। फिर से सुने बाबू कि जिंक इलेक्ट्रोड था तो इसके लिए विलयन क्या था? ZnSO4। तो अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विलयन क्या होगा? HCl, क्योंकि HCl का विखंडन से हमको H प्लस मिलना चाहिए। चूंकि ZnSO4 के विखंडन से हमको Zn प्लस 2 मिल रहा था, इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमको HCl का विलयन चाहिए। तो हम क्या किए हैं? सर्वप्रथम एक टैंक लिए हैं। सर्वप्रथम एक क्या लिए बाबू? टैंक लिए, जिसमें HCl का एक मोल विलयन को हम डाले हैं, जो जलीय है, जो क्या है बाबू? जलीय विलयन है। तो HCl जब एक मोल डालेंगे तो हमको हाइड्रोजन आयन के सांद्रण हमको कितना मिलेगा? 1m मिलेगा, 1m मिलेगा ना। जितना जैसे HCl 1m डाले तो हमको हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना प्राप्त होगा? 1m। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस सर्व सुनेंगे, सर्वप्रथम एक टैंक लिया जाता है जिसमें HCl का 1m जलीय विलयन को डाला जाता है। उसके बाद इसमें एक हम गैसीय जार लेते हैं। क्या लेते बाबू? गैसीय जार लेते हैं। तो गैसीय जार लेते हैं जिसके सहारे हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं। कितना एटीएम पर? 1 एटीएम पर, 1 एटीएम दाब पर हम हाइड्रोजन गैस को गैस जार के सहारे प्रवाहित करेंगे। और इस गैसीय जार में एक तार को डाला जाता है, तार को डाला जाता है जो प्लैटिनम का तार होता है, प्लैटिनम वायर होता है। सर्वप्रथम में क्या ले रहा है? टैंक लिए, टैंक में हम HCl का 1 मोल जलीय विलयन डाले 1m का, जिसमें एक गैसीय जार को रखा जाता है जिसके सहारे H2O गैस 1 एटीएम पर प्रवाहित करते हैं। उस गैसीय जार में हम एक प्लैटिनम का तार लेते हैं। तार में आप इस तरह से कर देंगे बाबू, क्योंकि आगे कोई भी जुड़ सकता है। इसको इसलिए दिया जाता है कि आगे किसी से जुड़ सकता है। देखते हैं ना, तार जोड़ते समय इतना छोड़ा जाता है कि और इधर से हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो इसको देते हैं, तार को खुला छोड़ते हैं, किस लिए? कि इधर और किसी से ही जुड़ सकता है। तो इस प्लैटिनम तार का जो निचला सिरा है वह है आपका पीटी ब्लैक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? पीटी ब्लैक, पीटी ब्लैक पत्थर है आपका, पीटी ब्लैक पत्थर है। तो पीटी ब्लैक पत्थर का काम क्या है? आप सुनेंगे, हाइड्रोजन गैस ऊपर से धीरे धीरे आएगा नीचे, ऊपर से नीचे धीरे धीरे आएगा, तो फिर क्या होगा? पीटी का जो ब्लैक पत्थर है वो हाइड्रोजन के कुछ भाग को अवशोषित कर लेगा, कुछ भाग को क्या करेगा? सोखेगा, यानी अवशोषित करता है, यानी हाइड्रोजन गैस को क्या करता है बाबू? सोखता है, सोखता है यानी अवशोषित करता है, सोखता है, या कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस के कुछ भाग को अवशोषित करता है। तो क्या ये ब्लैक पत्थर सब अवशोषित कर लेगा हाइड्रोजन गैस को? नहीं, आपका कुछ हाइड्रोजन गैस के कुछ भाग को अवशोषित करता है
और कुछ भाग जो है हाइड्रोजन का वह विलयन से गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर करके बाहर निकल जाता है, यानी बूंदा बना करके ऐसे करके गैस जो है क्या हो जाता है, इस तरीके से हाइड्रोजन गैस कुछ बाहर निकल जाता है, निकल जाता है। तो ये आपका है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन है। तो क्या लिखेंगे बाबू कि सर्वप्रथम एक टैंक लिया जाता है, सर्वप्रथम एक टैंक लिया जाता है जिसमें एक मोल HCl का जलीय विलयन यानी 1 mHCl का जलीय विलयन डाला जाता है, जिसमें गैस जार के सहारे हाइड्रोजन गैस को एक एटीएम दाब पर ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तथा उस गैसीय जार में प्लैटिनम का तार व्यवस्थित होता है। उस तार का निचला सिरा प्लैटिनम ब्लैक पत्थर कहलाता है जो हाइड्रोजन के कुछ भाग को अवशोषित करता है और कुछ भाग हाइड्रोजन का बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन के बारे में। फिर से समझे बाबू इसको कि सर्वप्रथम एक टैंक लिया जाता है, क्या लिया जाता है बाबू, टैंक लिया जाता है जिसमें 1 mHCl का घोल डाला जाता है, उस घोल में गैसीय जार को व्यवस्थित किया जाता है और गैसीय जार में प्लैटिनम का तार व्यवस्थित होता है एवं गैसीय जार की सहायता से हाइड्रोजन गैस को 1 atm दाब पर ऊपर से धीरे धीरे प्रवाहित करने के फलस्वरूप तार में लगे ब्लैक पत्थर यानी प्लैटिनम का ब्लैक पत्थर हाइड्रोजन के कुछ भाग को सोखता है, अवशोषित करता है और कुछ भाग हाइड्रोजन का बाहर निकल जाते हैं। अतः इस प्रकार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन किया जाता है। अब आपको रिएक्शन एक लिखना है, क्या बाबू कि H2 जो होगा वह H आयन भी देगा और आपका आयन से हाइड्रोजन गैस मिले यानी साम्य अवस्था को प्रदर्शित करता है। अब आप देखेंगे फिगर पहले लोड करें तो फिर हम बोलते हैं, लिख लेंगे आप लोग। समझेंगे बाबू यहाँ फिर से समझेंगे कि सर्वप्रथम एक टैंक लिया जाता है जिसमें 1 mHCl का घोल डाला जाता है, गैसीय जार के सहारे H2 गैस को यानी हाइड्रोजन गैस को 1 atm दाब पर ऊपर से धीरे धीरे प्रवाहित करने के फलस्वरूप प्लैटिनम तार के निचला सिरा पर प्लैटिनम ब्लैक पत्थर लगा होता है जो हाइड्रोजन गैस को सोखता है, कुछ भाग को सोखता है और कुछ भाग विलयन से बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अतः इस प्रकार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन किया गया। अब आप इसको लोड कर लेंगे, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बाबू, देखते हैं आगे। चलो बाबू समझ गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, अब देखेंगे नोट समझेंगे बाबू, नोट पॉइंट कुछ समझेंगे आप। क्या समझेंगे नोट पॉइंट में, आप समझेंगे कि मान लिया जाए कि NH है, क्या है NH है, ये वो आपका HCl है, दोनों आपका कंपाउंड है, समझेंगे। तो आपका देखेंगे यहाँ आपका सोडियम प्लस और हाइड्रोजन क्या बाबू माइनस, यहाँ आपका क्लोरीन क्या है माइनस, आई आपका क्या है प्लस। तो इसका मतलब है कि आप देखेंगे यहाँ पर कि हाइड्रोजन आपका माइनस भी है और प्लस भी है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ जो है से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और यहाँ जो है से इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो हाइड्रोजन दोनों क्रिया करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है और ग्रहण भी करता है। आप देख लेंगे यहाँ सोडियम हाइड्राइड में आप क्या कर रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कुछ कर रहा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, त्यागने के फलस्वरूप प्लस
अब ग्रहण करने के फलस्वरूप क्या लगू माइनस। आप दसवां में पढ़े होंगे तो इसके बाद में देखेंगे यहाँ ग्रहण करता है कौन प्लेट, कैथोड प्लेट। आपको पता है कि कैथोड प्लेट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, जबकि त्याग कौन करता है, एनोड। तो हम लिखाए थे कि कैथोड और एनोड दोनों रूपों में कार्य करते हैं, यानी कहने का मतलब कैथोड को कौन रिएक्शन बाबू, आरआर रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन जो है कैथोड एनोड दोनों रूपों में कार्य करेगा। यानी कहने का मतलब कि रिडक्शन रिएक्शन यानी अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण, अवकरण एवं ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा कौन, हाइड्रोजन। तो ये बात आप समझ गए कि हाइड्रोजन बाद में भी हो सकता है पहले भी हो सकता है, तो बाद में रहेगा तो कैथोड, पहले रहेगा तो एनोड। अब इस तरीके से आप समझते हैं इसको, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, यानी कहने का मतलब कि अब बताओ थोड़ा सा देखो, तो इसमें बाबू कैथोड कने रहता है राइट में और एनोड कने रहता है लेफ्ट में। तो कहने का मतलब कि हाइड्रोजन जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वह बाएं भी रह सकता है और दाएं भी रह सकता है। अब डिपेंड करता है कि कब दाएं रहेगा कब बाएं रहेगा। तो समझो बाबू, मान लिया जाए कि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव आपका कितना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.676 वोल्ट, और हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है 0.00 वोल्ट। तब तो ज्यादा कौन है बाबू, इसमें ज्यादा कौन है, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और कम कौन है, जिंक का हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो जो देखो ये माइनस है जीरो है, तो माइनस है तो जीरो जरूर बड़ा होता है, तो जो कम रहेगा जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम रहेगा वह होगा बाएं तरफ, बाएं माने लेफ्ट में, और अगर जिसका ज्यादा होगा वो कहां रहेगा बाबू, दाएं तरफ यानी राइट में। यानी यहां पर जो है अगर जिंक और हाइड्रोजन की तुलना किया जाए, जिंक और हाइड्रोजन की तुलना किया जाए तो जिंक कहां होगा, बाएं तरफ, और हाइड्रोजन कहां होगा, दाएं तरफ। यानी जिंक एनोड का कार्य करेगा और हाइड्रोजन कैथोड का कार्य करेगा। तो फिर से देखेंगे बाबू, जो याद रखेंगे कि जो कम होगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा वो बाएं तरफ, और जो ज्यादा होगा सिस्टोमेटिक आप समझ ही रहे हैं दाएं तरफ। अगर हम तुलना करते हैं किसको, अगर हम तुलना करें हम किसका बाबू, कॉपर का करें, तो कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, +0.34 वोल्ट होता है। अगर इसको हाइड्रोजन से तुलना किया जाए मानक हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव से, तो इसका होता है 0.00 वोल्ट। तो बताओ ज्यादा कौन है बाबू, तो ई है और कम आपका ई है, ई आपका कम है और ई आपका ज्यादा है। तो देखेंगे जो कम रहेगा से कहने बाबू बाएं तरफ, जो कम रहेगा से किस तरफ, बाएं तरफ, और जो ज्यादा रहेगा से दाएं तरफ। आप गैल्वेनिक सेल में पढ़े हैं लोन लेफ्ट, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, यानी लेफ्ट में एनोड। तो ई आपका बाएं तरफ जो होगा से एनोड का कार्य करेगा, और दाएं तरफ जो होगा से कैथोड का कार्य करेगा। तो देखेंगे बाबू पहला बात समझ लो और दूसरा बात समझ लेंगे। मान लिया कि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव है कितना होता है -0.76, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है वो 0.00 वोल्ट। तो देखेंगे कम आपका जिंक का है और ज्यादा आपका हाइड्रोजन का है, तो जो कम होगा से किस तरफ होगा, बाएं तरफ होगा, और जो ज्यादा होगा से दाएं तरफ होगा। तो यहां पर देखेंगे बाएं तरफ लोन, तो लोन में एनोड, तो ये नोड होगा, ये नोड का कार्य कौन करेगा, जिंक करेगा, जबकि दाएं तरफ कौन कार्य करेगा बाबू, कैथोड का कार्य करेगा। समझेंगे यहां, तो देखेंगे यहां हाइड्रोजन को क्या कार्य कर रहा है, कैथोड का, और यहां हाइड्रोजन क्या का काम कर रहा है, एनोड का। तो आपको एक बात याद कर लेना है, ध्यान में रखना है, ये सब आपको याद कर लेना है, किताब में आपका दिया हुआ है कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन का, लेड का, चांदी का, सबका दिया हुआ है, तो उसको याद कर लेंगे। और एक बात आप माइंड में रखेंगे, जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम होगा वो बाएं तरफ,
अब बाएं तरफ आपको याद रखना है लून शब्द, एल से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से नोड, एन से नेगेटिव। तो पहले तो हम ऑक्सीडेशन यानी ओ आर रिएक्शन, आई पर कौन बाबू आर आर रिएक्शन, समझ रहे हैं। तो एनोड पर आपका ओ आर रिएक्शन माने ऑक्सीडेशन, कैथोड पर आर आर रिएक्शन, इसको नोट करें। तो आगे बढ़ते हैं बाबू, चलो बाबू समझेंगे क्या बात। आपको एक ही बात याद रखना है कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड कम होगा बाएं तरफ होगा, जो ज्यादा होगा वो दाएं तरफ होगा। तो बाएं तरफ में क्या है, एनोड का काज करेगा और दाएं तरफ कैथोड का काज करेगा। तो अगर कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव के तुलना किया जाए तो आपका ज्यादा कौन है, कॉपर है, क्योंकि ईवी प्लस में ईवी प्लस में है तो जीरो से तो ही बड़ा होता है। तो कम कौन है, हाइड्रोजन का, तो ये बाएं तरफ होगा, कौन होगा, एनोड, कौन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, समझ रहे हैं। उसी तरीके से जिंक और हाइड्रोजन में तुलना किए तो इस तरीके का है, जो यानी याद रखना आपको सिर्फ यही कि जो कम रहेगा से बाएं तरफ रहेगा, ज्यादा आपका समझ में आ जाना चाहिए कि ज्यादा जो रहेगा से दाएं तरफ होगा। तो समझेंगे बाबू, आगे बात समझते हैं। तो देखेंगे यहां हमको दिखाना है या वैज्ञानिकों ने कैसे दिखाया था, प्रश्न आपका है कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव का गणना करें। देखेंगे यानी ज्ञात करें, यानी कहने का मतलब क्या है बाबू कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.76 वोल्ट कैसे ज्ञात होता है, समझ में आ रहा बात, ये वो हम बता दे रहे हैं, बाकी आप अपने से निकाल लेंगे। देखेंगे जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करें, यानी जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.76 वोल्ट कैसे होता है या कैसे ज्ञात किया जाता है, वैज्ञानिकों ने कैसे निर्धारित किया होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.76 वोल्ट की गणना कैसे किया था। यानी हमको दिखाना है कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना होता है कैसे। आप इसको भी लिख सकते हैं कि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव +0.34 वोल्ट होता है कैसे, माने प्लस और माइनस क्यों लिख दिया गया कि कॉपर का प्लस होता है और जिंक का माइनस होता है। कभी कहा गया कि नहीं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव आपका 0.00 वोल्ट होता है, तो ऐसा क्यों कहा गया, यानी कोई प्लस है कोई माइनस है, तो यह हम नहीं कहे हैं, वैज्ञानिक ने निकाल करके दर्शाया है, उस उन्हीं के अनुसार हम देखते हैं कि यह -0.76 वोल्ट कैसे ज्ञात किए थे। तो यहां पर समझेंगे वो बात, समझेंगे बाबू कि किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, किसी का भी मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो तो वह हाइड्रोजन के सापेक्ष ही ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोजन एकदम फिक्स है कि हाइड्रोजन के सापेक्ष ही ज्ञात किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट होता है, तो जीरो के दोनों तरफ, जीरो दोनों तरफ काज करेगा, एन जाएगा तो कुछ बाबू, एन जाएगा तो प्लस और एन आएगा तो माइनस, यानी बीच में है। तो अगर इधर जाता है दाएं जाता है तो प्लस और बाएं आता है तो माइनस, यानी सापेक्ष कौन है, जीरो है। अगर बाएं और दाएं की बात किया जाए तो जीरो क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है किसको, बाएं और दाएं को। जैसे एन जाएंगे तो +1 +2 +3 डॉट डॉट, एन आएंगे तो -2 -3 डॉट डॉट, है ना, इस तरीका से। यानी शॉर्ट में आप समझेंगे एक बात कि किसी का मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करना हो, किसी का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो तो हम किसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे, हाइड्रोजन के सापेक्ष ही ज्ञात करेंगे। तो देखिये बाबू हम यहाँ पर नोट में लिख दे रहे हैं, समझना है यहाँ
कि किसी का भी माना कि इलेक्ट्रोड भी हो, ज्ञात करना हो, जिंक का निकालना हो, कॉपर का निकालना हो, पीवी के निकालना हो, एजी के निकालना हो, जिसका भी निकालना हो, तो किसके सापेक्ष निकालेंगे? हाइड्रोजन के सापेक्ष निकालेंगे। तो समझेंगे बाबू, हाइड्रोजन के सापेक्ष इसलिए निकाला जाता है कि हाइड्रोजन का माना कि इलेक्ट्रोड भी वो जीरो होता है, और जीरो के बाएं ताएं दोनों माने दर्शाएगा जीरो, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस। इसका मतलब यह हुआ कि उसके रिस्पेक्ट में हम लेफ्ट राइट करते हैं। तो देखेंगे यहां बाबू, तो जिंक का माना कि इलेक्ट्रोड भी हो की गणना करने के लिए, इतना दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन के सापेक्ष हमको सचित्र वर्णन करना पड़ेगा। तो अब रहा बात कि हाइड्रोजन के सापेक्ष तो निकालेंगे, लेकिन हाइड्रोजन किस तरफ रहेगा, जिंक किस तरफ रहेगा? तो देखेंगे बाबू, जिंक का इलेक्ट्रोड यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.76 वोल्ट होता है। ये हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि यही हमको दिखाना है, ज्ञात किया हुआ है, वैज्ञानिक ने इसको निर्धारण कर दिया है। तो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका क्या हो जाएगा? 0.00 वोल्ट। तब बताओ बाबू, इसमें कम कौन है? कम आपका जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो फिक्स है कि बाएं तरफ रहेगा, यानी चित्र में जिंक किस तरफ होगा? बाएं तरफ। और ये आपका ज्यादा है क्योंकि माइनस से जीरो जड़ा बड़ा होता है, इसलिए देखो इस हाइड्रोजन का माना कि इलेक्ट्रोड भी हो से जिंक का इलेक्ट्रोड भी हो कम है, इसलिए किस तरफ जिंक रहेगा? बाएं तरफ रहेगा, और ज्यादा रहेगा से दाएं तरफ रहेगा। तो इसका फिगर समझेंगे बाबू, समझ में आया? जिंक किस तरफ रहेगा? बाएं तरफ। और हाइड्रोजन किस तरफ रहेगा? दाएं तरफ। जो कम रहता है वो बाएं, जो ज्यादा रहता है से दाएं। तो देखेंगे बाबू, तो इसका हम फिगर बनाते हैं। एक कंटेनर हम इधर लिए थे, गैल्वेनिक सेल आपको याद होगा, गैल्वेनिक सेल आपको याद होगा कि लेफ्ट में एक कंटेनर लिया जाता था और एक कंटेनर आपको राइट में लिया जाता था। इसमें हम एनोड प्लेट को डाल रहे हैं, यानी जिंक का रड डाल रहे हैं, जिंक रड डालें। तो जिसका रड डालते हैं उसी का विलयन डालते हैं। जिंक बाएं तरफ हम क्यों लिए से भी बताएं कि जिंक का माना कि इलेक्ट्रोड भी वो -0.76 वोल्ट होता है, और हाइड्रोजन का माना कि इलेक्ट्रोड भी वो 0 वोल्ट होता है। तो ये कम है इसलिए बाएं तरफ रखा गया, और हाइड्रोजन ज्यादा है इसलिए उसको दाएं तरफ रखा गया। तो जिसका रड रहता है उसी का घोल इसमें डालते हैं हम। तो इसमें घोल हम किसका डाल दे बाबू? ZnSO4 का। अब रहा बात कि इसमें हम एक गैसीय जार को लिए थे जो इस तरीके से था, और यहां से हम क्या किए थे, इसको हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किए थे, हाइड्रोजन गैस 1 ATM पर, यानी 1 ATM दाब पर इसको प्रवाहित किए थे। इसमें एक प्लेटिनम का तार डाला गया था जिसका निचला सिरा क्या था बाबू? ब्लैक पीटी ब्लैक पत्थर था, पीटी ब्लैक पत्थर, पीटी ब्लैक पत्थर था जो हाइड्रोजन के कुछ भाग को सोखता था, छोड़ो उस बात। इसमें एक बोले थे कि इसमें एक तार लगा होता है जो क्या हम बोले थे कि किसी से जुड़ सकता है। तो अब बताओ, हाइड्रोजन का माना लिए, इलेक्ट्रोड यहां लिए, तो यहां जो घोल डलाएगा वो किसका डलाएगा बाबू? HCl डलाएगा, HCl का जलीय विलयन यानी 1 mol 1 m बाबू डालेंगे इसको। अब इसको तार के यानी तार के सहारे वोल्ट मीटर से इसको जोड़ा जाता है, तार के सहारे वोल्ट मीटर से जोड़ा जाता है, ये आपको क्लियर है। अब इसमें एक गैल्वेनिक साल्ट ब्रिज लिए थे, इसमें एक साल्ट ब्रिज को डाले थे, साल्ट ब्रिज को जिसमें भरा हुआ था क्या बाबू? KCl इत्यादि HNO3 वगैरह था, इसको हम बोलते थे लवण सेतु, साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। अब रहा बात कि आपको पता है कि जिंक का रड एनोड का कार्य करेगा और हाइड्रोजन जो है कैथोड का कार्य करेगा। तो एनोड क्या बाबू? नेगेटिव, और कैथोड आपका पॉजिटिव। अब देखेंगे इसमें, समझ रहे हैं बात को?
जिंक को हम बाएं तरफ क्यों रखें, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से कम है, तो जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है वो बाएं तरफ व्यवस्थित होता है, और जो ज्यादा होता है दाएं तरफ व्यवस्थित है। तो दाएं तरफ कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हम सचित्र बनाए थे। फिर यहाँ पर देखेंगे अगर जिंक का रड डाले हैं तो ZnSO4 डाले हैं, अगर हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रोड मान रहे हैं बना रहे हैं तो इसका मतलब कि HCl घोल लेंगे हम, तो इसको हम इस तरह से व्यवस्थित कर दिए। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जिंक जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ग्रहण कौन करेगा, हाइड्रोजन। तो माइनस से प्लस की ओर यानी जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के फलस्वरूप SHE की ओर जाएगा, SHE की ओर जाता है यानी प्रवाहित होता है। SHE के मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरे फिगर को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी हाइड्रोजन गैस वाला इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब आपको पता है जब ये ग्रहण करेगा तो ये विद्युत धारा का प्रवाहित कराएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा इस तरफ से, यानी एक बात क्लियर कि जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन SHE की ओर प्रवाहित होगा, जबकि SHE की ओर से विद्युत धारा का प्रवाह ZN की ओर होगा, ठीक है। अब यहां पर बोल्ट जो है, बोल्ट आप देखे होंगे घर में लगल जो लगा होता है मीटर वगैरह में, वह माइनस वोल्ट नहीं दर्शाता है, वह जब भी दर्शाता है तो प्लस 2 वोल्ट प्लस 0. कुछ वोल्ट प्लस 10 वोल्ट इस तरह से, यानी जब भी वोल्ट दर्शाएगा तब पॉजिटिव दर्शाएगा, नेगेटिव नहीं दर्शाएगा। तो हमको कितना वोल्ट दर्शाता है बाबू, यानी इतना देखो वोल्ट मीटर में हमको इतना वोल्ट हमको दर्शाता है। तो इसका मतलब हो गया कि जब यह वोल्ट मीटर इतना वोल्ट दर्शाता है तो यह पूरे सेल का वोल्ट मीटर में दर्शा रहा है। तो इसका मतलब है कि ई नॉट सेल यानी पूरा सेल का माने कि इलेक्ट्रोड विभव हो गया कितना, 0.76 वोल्ट, पूरा सेल का हो गया। क्या सुने क्या समझे बाबू, कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करने के लिए बाई और जिंक इलेक्ट्रोड जिसमें ZnSO4 का विलयन डाला जाता है, व्यवस्थित होता है, पाया जाता है, जबकि दाएं तरफ SHE व्यवस्थित होता है जिसमें HCl का घोल डाला जाता है। अब रहा कि जब जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो SHE की ओर यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर, और SHE की ओर से विद्युत धारा का प्रवाह होता है जिसके कारण वोल्ट मीटर में 0.76 वोल्ट प्रदर्शित होता है। इसलिए पूरे सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव इनोट सेल बराबर 0.76 वोल्ट होगा। तो इतना नोट करें फिगर बाबू। तो इसको हम गणना करना चाहते हैं किसका, जिंक। अब यहां पर तुमको लग रहा होगा कि अपने से दर्शा दिए, नहीं ये आपको देखना है कि तो 0.76 वोल्ट दर्शवे करता है, वैज्ञानिक देवे किए हैं, तो माइनस प्लस हमको देखना है कि माइनस क्यों लिख दिए और प्लस क्यों लिख दिए। तो इसको उतारेंगे आगे, पढ़ते हैं बाबू। चलो एक फिगर के बारे में लिखेंगे बाबू, सुनेंगे। बोल रहे हैं कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करने के लिए लिखिए आप लोग, लिखिए, हम लिखेंगे नहीं, आज बोलेंगे हम इसके बारे में कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव निर्धारण करने के लिए बाईं ओर जिंक इलेक्ट्रोड तथा ZnSO4 का विलयन रहता है,
ZnSO4 का जलीय विलयन रहता है। क्या लिखवा रहे हैं बाबू फिगर के बारे में लिखवा रहे हैं का कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करने के लिए बाई और जिंक इलेक्ट्रोड तथा इसमें ZnSO4 विलयन के जलीय विलयन रहता है जबकि दाई और SHE रहता है यानी जुड़ा रहता है SHE रहता है। तो दोनों इलेक्ट्रोडों को इतना तक लिख लिए कि दाई और SHE रहता है, शॉर्ट में लिखा दिए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दाई और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जबकि HCl का जलीय विलयन रहता है। तो क्लियर यहां तक बाबू कि मानक इलेक्ट्रोड यानी जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करने के लिए बाई और जिंक इलेक्ट्रोड तथा इसमें ZnSO4 का विलयन रहता है जबकि दाई और SHE व्यवस्थित होता है। तो दोनों इलेक्ट्रोडों को तार के सहारे दोनों इलेक्ट्रोड माने जिंक और SHE दोनों इलेक्ट्रोडों को तार के सहारे वोल्टमीटर से जुड़ा जाता है जिसके कारण जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है जो SHE की ओर प्रवाहित होता है जबकि SHE की ओर से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। फिर से लिखेंगे सुनेंगे बाबू लिखेंगे आप लोग कि दोनों इलेक्ट्रोडों को तार के सहारे वोल्टमीटर से जुड़ा जाता है जिसके फलस्वरूप ZN इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जो SHE की ओर प्रवाहित होता है एवं SHE की ओर से विद्युत धारा का प्रवाह ZN की ओर होता है यानी जिंक रड की ओर होता है जिसके कारण वोल्टमीटर 0.76 वोल्ट दर्शाता है और आप नीचे लिख लेंगे E नॉट सेल बराबर 0.76 वोल्ट क्योंकि पूरे सेल का वोल्ट हो गया कितना 0.76 वोल्ट। क्लियर है आपको फिगर आप अपने से भी लिख सकते हैं कोई भारी तो है नहीं। क्या लिखेंगे कि जिंक का मानक इलेक्ट्रॉन विभव का निर्धारण करने के लिए जिंक बाई और जिंक तथा इसमें ZnSO4 का विलयन उपस्थित होता है या व्यवस्थित रहता है तथा दाई और SHE व्यवस्थित होता है दोनों इलेक्ट्रोडों को तार के सहारे वोल्टमीटर से जोड़ा जाता है जिसके कारण ZN की ओर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जबकि SHE की ओर से विद्युत धारा का प्रवाह। देखे बाबू ZN की तरफ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जबकि SHE की ओर से विद्युत धारा का प्रवाह होता है जिसके कारण वोल्टमीटर में 0.76 वोल्ट प्रदर्शित होता है। इसलिए पूरे सेल का मानक इलेक्ट्रॉन विभव हो गया E नॉट सेल बराबर 0.76 वोल्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू हमको ज्ञात करना है जिंक का मानक इलेक्ट्रॉन विभव। तो देखेंगे बाबू इसको इस पर आपका एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो देखेंगे तो एनोड प्लेट कैलकुलेशन करते हैं बाबू यहां पर समझेंगे कैलकुलेशन आप देखेंगे यहां पर एनोड पर आपका कौन रिएक्शन करेगा जिंक करेगा तो ZN प्लस 2 आयन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा यानी कैस होगा ये आपका सॉलिड होगा। उसके बाद में आप राइट जाएंगे तो राइट आप क्या देखेंगे बाबू कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आपका किस पर है कैथोड पर किस पर बाबू कैथोड पर तो कैथोड पर क्या होगा H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा H2 गैस हमको देगा 1 एटीएम पर तो आप 2 से गुणा करके बैलेंस कर लेंगे। अब इसको जोड़ देंगे बाबू क्या करेंगे जोड़ेंगे
तो जुड़ेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो आपका हो गया जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस अकयस, आपका हो गया इधर आपका हो गया Zn प्लस 2 अकयस प्लस H2 180। हो गए, तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, सेल रिएक्शन हो गया, CR माने बाबू जी सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। अब यहां पर रहा, अब इसके बारे में देखेंगे, रिएक्शन बना के हल कर रहे हैं बाबू, समझेंगे इसको। एनोड पर कौन था? जिंक, तो जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? रिडक्शन। तो देखेंगे एनोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी जिंक था तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड प्लेट पर हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का रिडक्शन, अब इन्हें हाइड्रोजन का रिएक्शन किया। अभी आपका जो बना से क्या बना बाबू? सेल रिएक्शन बना। अब सेल रिएक्शन से आप निकालने के लिए जानते हैं को जी सेल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन यानी सेल रिप्रेजेंट। तो देखेंगे सेलों का प्रदर्शन, तो सेल कैसे लिखाता है बाबू? सेल आपका ऐसे लिखाता है कि बाएं तरफ कौन था? Zn, तो इस तरीके से लिखाता है कि Zn प्लस 2 अकयस लिखाता है, अकयस जिंक चेंज टू जिंक आयन साल्ट ब्रिज 2H प्लस अकयस चेंज टू हाइड्रोजन गैस 180। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस है तो बगल में आप प्लेटिनम यानी इनर्ट इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर देंगे। अब यहां पर देखेंगे बाबू कि ये आपका साल्ट ब्रिज के बाएं तरफ है तो L हो गया, और ये आपको दाएं तरफ है तो ये आपका R हो गया। तो यानी कहने का मतलब कि L में कौन है? जिंक, और जिंक का हिमानिक इलेक्ट्रोड ज्ञात करना है हमको, तो इसका मतलब है कि हमको E नॉट L निकालना है। E नॉट क्या निकालना है? L, क्योंकि जिंक का ही इलेक्ट्रोड विभव हमको चाहिए। तो फ्रॉम फॉर्मूला, पिछले वीडियो में आप फॉर्मूला को हम सिद्ध किए थे, समझेंगे यहाँ, यानी सूत्र से क्या था कि E नॉट सेल बराबर आपका फॉर्मूला था EL माइनस ER, ये ना था लेफ्ट माइनस राइट। तो आप बताओ, अब हम फिगर में बताएं कुछ क्या कि जो जिंक और SHE जो दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है तार से, तार के सहारे जो वोल्ट मीटर से जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर जो हमको प्रदर्शित किया था कितना वोल्ट प्रदर्शित किया था? 0.76 वोल्ट प्रदर्शित किया था। तो 0.76 वोल्ट पूरे सेल का विभव था, तो सेले का विभव तो है, तो E नोट सेल का मान कितना होगा? 0.76 वोल्ट बराबर EL तो ही हमको निकालना है। लेफ्ट, लेफ्ट में कौन है? जिंक, यानी इसी को तो निकालना है, तो इसको जीव कहते हुए रह देंगे। और ER माने कौन है? R में राइट में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मतलब कि इसका वोल्ट आपको पता है कितना बाबू? नहीं, आपका फॉर्मूला गलती हो रहा बाबू, ER माइनस लेफ्ट ना बाबू, ER माइनस L यानी राइट माइनस L ना, कहानी पता ना क्या हो जाता है, राइट माइनस L इलेक्ट्रोड विभव आपका सूत्र था E नॉट R बराबर E नॉट L। तो E नॉट सेल का मान तो हम फिगर में दिखाएं कि पूरे सेल का इलेक्ट्रोड विभव कितना आएगा? 0.76 वोल्ट, और राइट में किसका है बाबू? हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का राइट लिखेंगे तो 0.0 वोल्ट माइनस। अब बताओ E नॉट L यानी L माने किसका? जिंक का, तो जिंक का तो ही निकालना है हमको, तो इसको छोड़ देते हैं, जो कहते हैं E नॉट L। अब आपको जीरो घटाओ चाहे बढ़ाओ चाहे जोड़ो चाहे कुछो करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आपका हो गया 0.76 वोल्ट बराबर माइनस E नॉट L। अब इसको एने लाते हैं या इसको एने ले जाते हैं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो E नॉट L बराबर आपका हो जाएगा 0.0 होने जी, तो माइनस है बाबू, एने प्लस तो एने माइनस, एने माइनस तो एने प्लस 76 वोल्ट। अब देखेंगे बाबू यहाँ E नॉट L का मान कितना आया? L में आपका है कौन? जिंक, तो समझेंगे यहाँ,
देखेंगे यहाँ ई नॉट एल यानी ई जीरो एल भी पढ़ सकते हैं, ई शून्य एल बराबर कितना मिला -0.76 वोल्ट, यानी किसका मानक इलेक्ट्रोड भी हो मिला जिंक का, क्योंकि लेफ्ट में कौन है जिंक, तो इसलिए इसको लिखेंगे ई नॉट जेड एन चेंज टू जेड एन प्लस टू का मानक इलेक्ट्रोड भी हो गया -0.76 वोल्ट। यही आपको निर्धारण करना था प्रूफ लाओ। ठीक, तो इस प्रकार आप किसी का यानी निकाल सकते हैं कुछ मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो आप वो क्वेश्चन लिखिए, इसको बनाइएगा, लिखेंगे कि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव का गणना करें, कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करें, यानी आपको यह दिखाना है कि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नॉट सेल ई नॉट सी यू बराबर +0.34 वोल्ट कैसे होता है, यानी वैज्ञानिकों ने किस तरह इसका निर्धारण करना है उस तरह से आपको भी दिखाना है कि कैसे होता है। तो क्वेश्चन लिख लेंगे बाबू कि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करें। ठीक बाबू, तो हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद बाबू।